तो दोस्तों इंडस्ट्री में पहली बार 15,000 के बजट में आपको फॉर्टनाइट गेम का मज़ा मिलने को पा रहा है। कैसे रियलमी 3 प्रो ने अनाउंस कर दिया, ट्विटर पर यह ट्वीट किया और बोला और इसमें लिखा हुआ है कि रेडमी नोट 7 प्रो फॉर्टनाइट नहीं सपोर्ट करता है और जो रियलमी 3 प्रो है वो फॉर्टनाइट सपोर्ट करता है। देखिए खेल रहा है और बीच का साइड हार्ड से ढका हुआ है क्योंकि नॉच है या क्या है, सीक्रेट है वो नहीं दिखाएंगे, इसलिए बंद किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाला टाइम में क्या होता है। तो रियलमी 3 प्रो का आज एक्साइटमेंट मुझे बहुत जग गया है क्योंकि ये फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत। तो दोस्तों इस ट्वीट का ऊपर के साइड अगर दिखाया जाए तो रियलमी 3 प्रो का बॉक्स रखा हुआ है और इस साइड नीचे का साइड रखा हुआ है आपका रेडमी नोट 7 प्रो और दिखाया जा रहा है कि इस फ़ोन में आपको नहीं खेलने का सपोर्ट मिलता है रेडमी नोट 7 प्रो में, क्योंकि इसका कंपटीटर है ना, इसलिए दिखा रहा है कि रेडमी नोट 7 प्रो में आपको फॉर्टनाइट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इस साइड जो खेल रहा है हमारे कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय बस माधव सेठ भी हो सकते हैं, खेल रहा है ऐसे और फ़ोन को लिया हुआ है, हाथ से ढका हुआ है जैसे नहीं देख पाए कोई, क्योंकि ये तो सीक्रेट है ना, इसलिए। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अमेजिंग और तो इस बात से पूरा सपोर्ट हो गया है कि इसमें स्नैपड्रैगन 710 आने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 710 बहुत अच्छा प्रोसेसर है, फॉर्टनाइट का भी सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों एक दिन पहले रियलमी ने CEO ने एक और ट्वीट किया था अपने ट्विटर पर ये वाला और बोला था कि कैमरा सैंपल दिखाया था, तो मैं दिखा देता हूँ उस कैमरा सैंपल को, ये देखिए कैमरा सैंपल, और दिखाया था कि रियलमी 3 प्रो का कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है, जो OnePlus 6T में सेंसर मिलता है ना वही सेम सेंसर होगा क्योंकि OnePlus 6T कैमरा के मामले में बहुत अच्छा है, तो उसका ही सेंसर डालेंगे और वो 48 मेगापिक्सल के पीछे नहीं भागेगा क्योंकि 48 इतना भी अच्छा नहीं है, अच्छा है बट अगर पोस्ट प्रोसेसिंग करें ना तो ये भी कैमरा उससे भी अच्छा हो सकता है। तो रियलमी 3 प्रो में कैमरा तो अमेजिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये न्यूज़ पहले मैं ही दिया हूँ, इससे पहले आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर मेहनत हुआ है तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, बाय।